feelings. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming. Dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces. Took them all and made them yours. So hello and what's up guys, मैं हूं सुमन सवाल, आप देख रहे हैं ससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस ऐसे मैजिशियन के चैनल में, आज के कमाल की मैजिक वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने एक कॉटन को जला के एक रुमाल बना दिया रेड कलर का। तो आप लोगों ने देखा मेरे हैंड्स पे कुछ भी नहीं था और एक रुमाल जो है हैंड्स पे आग जलाने से आ चुका था। यही मैजिक मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आप इस मैजिक को, इस जादू को जान पाओगे एंड सीख पाओगे। अगर आप पहली बार भूले भटकते इस सेम मिशन चैनल पर आ चुके हैं तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर प्रेस करें। जैसे आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करोगे उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल भी प्रेस करें। ध्यान रखना जैसे आप बेल आइकन को ऑल भी प्रेस करोगे उसी पल आप ऐसे मैं चैनल फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात होगी। तो फ्रेंड्स चलो बिना के आपको बोर शुरू करते हैं जादू का स्टोर। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको अपनी आवाज़ के साथ उस मैजिक को करके दिखाने वाला हूँ, परफॉर्मेंस उसकी दिखाने वाला हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में है एक लाइटर कुछ इस प्रकार से, और ये है रुई यानी कि कापूस। हम क्या करते हैं, इस रुई को पकड़ते हैं कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे लाइट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे हाथ पे रुमाल आ चुका है, जबकि हमने एक कापूस जलाया था, रुई जलाई थी, और रुई जलाते ही रुमाल प्रकट हो चुका है और रुई गायब हो चुकी है आप लोगों के सामने। तो ये मैजिक आपको कैसा लगा, इसी की ट्रिक राज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बड़े खुश लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार ऐसे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके आएँ, क्योंकि इस चैनल पर आपको नए नए पुराने छोटे बड़े सभी जादू सिखाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं, और जादू का सामान आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो चलो चलते इस मैजिक के रहस्य पे, राज पे, ट्रिक पे एंड ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स इस मैजिक का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी आप हम इस मैजिक के राज पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इस मैजिक को दिखाने के लिए आप कुछ ये होता है फ्लैश कॉटन, ठीक है, कॉटन फ्लैश, फ्लैश पेपर भी आता है, फ्लैश कॉटन भी आता है, फ्लैश स्ट्रिंग भी आता है, यानी कि रॉप टाइप में भी एक आता है। यहाँ पे तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आप आसानी से नाम भी पढ़ सकते हो और इनका चित्र भी देख सकते हो। पीछे से कुछ नहीं होता है और इसके अंदर कुछ कापूस होता है यानी कुछ रुई टाइप का होता है, और इसे हमें निकालना होता है कुछ इस प्रकार से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया है, अभी इसको नीचे रख देते हैं। और हाँ, अगर आप इसको मंगाना चाहते हो, फ्लैश पेपर, फ्लैश कॉटन, कुछ भी अगर मंगाना चाहते हो, जादू का ए टू जेड सामान अगर आप मंगाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आपको जादू का छोटे छोटे, बड़े से बड़ा, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं, इसकी काम ख़त्म। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक हंकी यानी कि एक रुमाल, जो कि मैजिक के लिए स्पेशल बनाया जाता है। ये रुमाल बहुत ही पतले होते हैं, स्पेशल मैजिक के लिए ही मॉडिफाई किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस प्रकार से करना होता है रुमाल को फोल्डिंग, और यहाँ से फोल्ड मारना होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना होता है हमें ऐसे, उसके बाद यहाँ से रोल करना होता है। कुछ इस प्रकार से हमें रोल करना होता है, आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम इसे रोल करते हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोगों ने देखा ये रोल हो चुका है इस प्रकार से। उसके बाद हम इसे यहाँ पे हैंड्स पे प्रेस करके रखते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका एक जो छोर है वो हम यहाँ पे इस हैंड पे ऐसे रखते हैं पकड़ के, ठीक है। तो रुमाल यहाँ पे रहता है और ऐसा लगता है हाथ पे कुछ नहीं है। उसके बाद हम फ्लैश कॉटन निकालते हैं ये वाला, और हम दिखाते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये कॉटन है हाथ पे। और जैसे ही हम इसे जलाते हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे ही हम इसे जलाते हैं, अभी आप लोग देखो वैसे हम ये छोड़ देते हैं,
तो देखा आप लोगों ने कि जैसे ही पे उस कॉटन पे आग लगी वैसे ही हमने इस रुमाल को नीचे ड्रॉप कर दिया। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से पहले फोल्ड करना होता है हमें। अभी आपको, आप चाहो तो मस्त करके फोल्ड कर सकते हो अच्छे तरीके से। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी फोल्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आप लोग भी बोरिंग ना हो। तो कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग करना होता है ये रुमाल। इस प्रकार से यहाँ पे रखा, ठीक है, इसका एक छोर हमें हाथ पे पकड़े हुए रखना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। तो लगता है हैंड्स पे तो कुछ भी नहीं है, हैंड्स को आप ऐसे दिखा सकते हो। उसके बाद हमें वो कॉटन की रुई लेनी होती है, किसी को भी दिखा सकते हो इसको, हर कोई बोलेगा कि एक रुई है बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें ऐसे करना होता है, ऐसे करने के बहाने जैसे इस पे आग जलाते हैं तो ये हमें आप लोग देख सकते हो ऐसे छोड़ना होता है। जैसे इस पे आग जलेगी, सपोज डेट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, हमने फोल्डिंग करके रखा हुआ है एग्जांपल फोर, तो जैसे ही ऐसे फोल्डिंग करके रखा है तो जैसे ही आग जलेगी देखो तो ये काफ़ी फ्लैश पेपर जो है काफ़ी स्पीड में जलता है और आपको काफ़ी तेज़ी से ये छोड़ना होता है क्योंकि उसकी जलने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो फ्लैश पेपर कब ख़त्म हुआ। अभी आपने देखा कि जैसे मैंने लाइटर उस पर हल्का टच हुआ तो फ्लैश पेपर जो है पूरा जल गया था। तो यही था इसका राज, यही था इसका सीक्रेट, यही थी इसकी ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैजिक ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको मैजिक ट्रिक पसंद आई यार तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग जादू का कोई भी सामान मंगाना चाहते हो, जादू का ए टू जेड सामान अगर आप मंगाना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा मेरे भाई, उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको जादू के हर कोई सामान मिलेंगे, हमारे पास 100 रुपये का भी सामान है, 150 का भी सामान है, 1.5 लाख का भी सामान है और 1.5 हज़ार का भी सामान है। तो हमारे पास सभी आइटम्स अवेलेबल है मैजिक की। तो अगर आप चाहते हो जादूगर बनना, नाम दाम कमाना, तो आप जादूगर का आइटम्स परचेज कर सकते हो, जादू का सामान खरीद सकते हो। आप भी स्टेज पर प्रोग्राम कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, बर्थडे पार्टी में कहीं भी जादू का शो कर सकते हो, नाम दाम दोनों कमा सकते हो। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कमाल की मैजिक ट्रिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।